हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों अगर आप एक APS संचालक हैं तो दोस्तों ये आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक APS संचालक हैं, किसी भी प्रकार का बैंकिंग का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका TDS कटता है और आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आज की इस वीडियो में आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने TDS अमाउंट को कैसे चेक कर सकते हैं कि जो इस साल आप ITR फाइल करने वाले हैं उसमें आपको कितने रुपए TDS रिफंड होने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल वाले घंटे को दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वही दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और गूगल में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है eportalincometax.gov.in। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो नया वाला वेबसाइट इनकम टैक्स का आया है इसको आप अपने लैपटॉप में ही ओपन करिएगा, या तो अगर आप अपने मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड जरूर ऑन कर लीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको लैपटॉप में ही ओपन करिएगा क्योंकि ये मोबाइल वर्जन में अभी बेहतर से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सबसे पहला वाला वेबसाइट है eportal.incometax.gov.in। दोस्तों चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इस वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट को ओपन हो जाने के बाद से यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो हो सकता है आपको ये न दिखाए, अदरवाइज दोस्तों एक बार डेस्कटॉप मोड जैसे यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों एक बार आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके मोबाइल में ये वाला आपको इंटरफेस नहीं मिल रहा है, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है अगर ये आपको इंटरफेस नहीं मिल रहा है तो आप इसको लैपटॉप में ही ओपन करिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। दोस्तों यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, इसमें यूज़र नेम आपको टाइप करना है, यूज़र नेम टाइप करेंगे तो आपको कंटिन्यू करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों ये जो भी लोग पहले से इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं दाखिल कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एक ID पासवर्ड होगा, अगर उनके पास नहीं है तो वो जिससे भी अपना इनकम टैक्स फाइल कराते हैं उनसे वो ID पासवर्ड ले लेंगे, अदरवाइज अभी तक आप नहीं करा रहे हैं तो आप जब भी जिससे भी अपना इनकम टैक्स फाइल कराएंगे वो आपको एक यूज़र ID पासवर्ड दे देंगे। तो दोस्तों मैं फटाफट अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन कर लेने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको एक ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ई फाइल वाला ऑप्शन है आपको क्या करना है, इस पे अपने कर्सर को ले जाना है और यहां पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न आपको इस पे ले जाना है और इस पे ले जाने के बाद से दोस्तों इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू फॉर्म 26AS। तो दोस्तों आपको व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे कंफर्म करने के लिए आएगा तो आपको यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, आपको इस वाले बॉक्स में चेक कर देना है और चेक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी क्लोज हुआ है वो था 2020-21, तो दोस्तों जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हम 2021-22 असेसमेंट ईयर में उसका रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2021-22 हम असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो असेसमेंट ईयर होता है वो जो अभी आपका करंट का चल रहा है ये असेसमेंट ईयर है और जो आपका फाइल होता है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होता है, जैसे कि 2020-21 का है वो आपका जो रिटर्न है वो फाइल होगा। तो यहां पे असेसमेंट ईयर 21-22 आप कर लेंगे और दोस्तों यहां पे व्यू एज पे यहां पे HTML पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद से दोस्तों यहां पे दिया हुआ है व्यू डाउनलोड, आपको इस पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस पर हमारा TDS कटा हुआ है, और यहाँ पे नियर बाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि मैं पेनियर का काम करता हूँ, तो यहाँ पे पेनियर का मेरा जो है वो TDS कटा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे TDS की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 रुपये 66 पैसे जो TDS हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रुपये 66 पैसे जो TDS हैं, ये अमेजन का है, और यहाँ पे 965 रुपये है ये आपका पे नियर बाई का है, मतलब नियर बाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। पे नियर बाई कंपनी का नाम जो है वो नियर बाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे 965 रुपये कटा हुआ है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, जिससे मेरी कोई दुकान नहीं है आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली, बस ये है कि जो लोग आसपास के जो लोग हैं कभी आ जाते हैं, किसी का पैसा निकालना होता है तो मैं उनका पैसे विड्रॉ कर देता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं इतना छोटा अमाउंट ट्रांजेक्शन करने के बावजूद भी हमारा 965 रुपये यहाँ पे टोटल TDS है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जब ये TDS रिफंड हो जाएगा तो इस वाले कॉलम में यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। तो दोस्तों ये कब शो करेगा, जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, जब मैं इस साल फाइल कर दूंगा तो वो जो हमारा है विद इन 1 मंथ के अंतर जो है वो आपका टैक्स जो है वो TDS जो है वो यहाँ पे रिफंड होके यहाँ पे शो करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, आपको इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। दोस्तों प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल शो कर देगा कि आपका कब से कितने डेट में कितना रुपए टैक्स कटा हुआ है, TDS कटा हुआ है, यहाँ पे सारी समरी जो है वो शो करने लगती है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 965 रुपये यहाँ पे ये नियर बाई टेक्नोलॉजी का है, और जब ये दोस्तों रिफंड हो जाएगा तो ये इस वाले बॉक्स में यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो हम फाइल करने वाले हैं ITR, उसमें हमको कितने रुपए रिफंड होगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर साल आप जो है इनकम टैक्स फाइल करें, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा अमाउंट आपका उसमें फंसा होता है, वो जो पैसा है वो विद इन 1 मंथ के अंदर आपके खाते में जो है वो क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों अगर आप खुद से अगर इनकम टैक्स फाइल कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा, आपका खुद से आपका इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आप किसी और से भी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई चार्ज लेगा, तो 400 लेगा, 500 लेगा, इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं लेता है। दोस्तों मैक्सिमम जो चार्ज लेता है वो 500 ही लेता है, तो दोस्तों उसके लिए आप परेशान ना हो, आपको उससे ज़्यादा जो है TDS यहाँ पे मिल जाएगा, आपका एक बचा हुआ आपका कटा हुआ पैसा जो है आपको रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी टाइप का APS संचालक हो या किसी भी टाइप का आप सर्विसेज का काम करते हो, उसमें अगर आपका TDS कटा हुआ है तो उस TDS को आप इनकम टैक्स रिटर्न करके आप उसे रिफंड करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मैं जानकारी हमारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें।